सपा और बसपा ने गठबंधन के दौरान जिस मुस्लिम वोट बैंक को अपना वोट बैंक समझकर रणनीतियां बनाई थी, उसको कांग्रेस के प्रियंका कार्ड ने तहस नहस कर दिया। प्रियंका कार्ड चलने के बाद अब बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी के उन मुस्लिम चेहरों को आगे करने का फैसला लिया है जो अभी तक दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता माने जाते थे, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में प्रियंका कार्ड चलने से कहीं ना कहीं गर्माहट जरूर आ गई है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।